दोस्तों, वेस्ट बंगाल की रूलिंग पार्टी टीएमसी अपने शासन के दौरान पिछले दो पंचायत इलेक्शन यानी कि टीएमसी आने के बाद पहला पंचायत इलेक्शन हुआ था 2013 में, उसके बाद 2018 में और अगला पंचायत इलेक्शन होने वाला है इस साल। लेकिन 2013 में पंचायत इलेक्शन में वायलेंस की वजह से करीब 40 लोगों की मौत हो गई थी, 2018 में करीब 30 लोगों की मौत हो गई थी और टीएमसी ने लगभग 70,000 पंचायत सीट में से 95% सीट में जीत हासिल की थी, जिसमें से 34% सीट में ऑपोजिशन ना होने की वजह से टीएमसी को आसानी से जीत मिल गई थी, क्योंकि टीएमसी के अलावा कोई और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी नॉमिनेशन भरने में सक्षम नहीं था, क्योंकि उस समय टीएमसी का दबदबा बहुत ज्यादा था। 2019 में टीएमसी को इसका कीमत चुकाना पड़ा लोकसभा चुनाव के दौरान, क्योंकि वोटर्स ने स्टेट के अंदर 42 लोकसभा सीट्स में से 18 सीट पर बीजेपी को जीत दिलाई थी। 2011 में ममता बनर्जी वामफ्रंट को अपनी सत्ता से बेदखल करने के बाद लोगों का ये उम्मीद था कि पश्चिम बंगाल में कुछ तो बदलाव आएगा, कुछ तो नया होगा, और ये हुआ भी। ममता बनर्जी ने महिलाओं के लिए स्कूल की, स्टूडेंट्स के लिए भी कई स्कीम लॉन्च किया, जैसा कि महिलाओं के लिए लक्ष्मी भंडार, स्टूडेंट्स के लिए सबूत साथी, कन्याश्री, इसके अलावा सस्त साथी, द्वारे सरकार और भी कई स्कीम लॉन्च किया ममता बनर्जी ने। लेकिन इलेक्शन के समय वायलेंस को लेकर कुछ भी बदलाव नहीं हुआ। आज के समय वेस्ट बंगाल की कई जिले में सेम सिचुएशन देखने को मिल रहा है, नॉमिनेशन जमा करने को लेकर क्लैशेस चल रहा है। आइए इस पूरी मुद्दे को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। नेशनल जनरल सेक्रेटरी और चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी का नेफ्यू अभिषेक बनर्जी पंचायत इलेक्शन की तैयारी के लिए पिछले मई महीने के अंदर साउथ बंगाल से नॉर्थ बंगाल तक नवोज्वार यानी कि नई लहर की यात्रा पर निकला था, जिसका मेन लक्ष्य था 2023 की पंचायत इलेक्शन। इनके खिलाफ 2021 में करप्शन को लेकर एक मैसिव एलिगेशन सामने आया था, जिसके बाद उन्हें एसएससी स्कैम केस, कोल स्मगलिंग, कैटल स्मगलिंग के केस में पुलिस ने उन्हें अरेस्ट किया था और सीबीआई ने उन्हें बहुत पूछताछ भी किया था। अभिषेक बनर्जी इस मामले में अकेला नहीं है, इनकी जैसी टीएमसी पार्टी की और भी कई मिनिस्टर हैं। कुछ मिनिस्टर अभी जेल में हैं, ये एक अलग मामला है, इसके पीछे का स्टोरी भी बहुत लंबी है। खैर, इन्हें यहीं पे छोड़ते हैं और अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। इलेक्शन कमिश्नर राजीव सिन्हा अनाउंस करती है वेस्ट बंगाल में 3-tier पंचायत इलेक्शन 8 जुलाई 2023 को होगा, जिसके लिए नॉमिनेशन 9 जून से लेकर 15 जून के अंदर जमा करना पड़ेगा, जिसके बाद पश्चिम बंगाल के कई जिले में वायलेंस स्टार्ट हो जाती है। ज्यादातर जगहों में ऑपोजिशन पार्टी जैसे कि द लेफ्ट, कांग्रेस, बीजेपी, इन सब पार्टी का आरोप है कि टीएमसी ने उन्हें जबरदस्ती नॉमिनेशन फाइल करने से रोका है, जबकि कुछ जगहों में सत्ता में रहने वाले पार्टी यानी कि टीएमसी ने ऑपोजिशन पार्टी के ऊपर हमला भी किया है। साउथ 24 परगना के भांगर, भुजभुज और नॉर्थ 24 परगना के मीना खान से बीजेपी, द लेफ्ट, कांग्रेस, टीएमसी पर उनकी कैंडिडेट्स को नॉमिनेशन दाखिल करने पर रोकने का आरोप लगाया है। मुर्शिदाबाद, बीरभूम, ईस्ट मेदिनीपुर की नंदीग्राम, ईस्ट वर्धमान, कुचबिहार इस समय वायलेंस की वजह से जल रही है और ये वायलेंस सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है साउथ 24 परगना के भांगर और कैनिंग में। भांगर में हुआ ये कि 2021 में असेंबली इलेक्शन से पहले मुस्लिम क्लेरिक अब्बास सिद्दीकी द्वारा स्थापित किया गया ISF यानी कि इंडियन सेकुलर फ्रंट पार्टी के साथ टीएमसी पार्टी का कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाती है 6 दिन के अंदर नॉमिनेशन जमा करने को लेकर, और इस कॉन्फ्लिक्ट में गोली चलती है, बूम ब्लास्ट किया जाता है और रास्ते के ऊपर जो गाड़ी खड़ा हुआ है उसमें आग लगाया दिया जाता है, खरीदारी के लिए दुकान को तोड़ दिया जाता है, पुलिस को निशाना करके पत्थर फेंका जाता है और ये कॉन्फ्लिक्ट 6 दिनों तक चलता है, जिसमें से करीब 2 लोगों की जान चली गई है और कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए। नॉमिनेशन खत्म हुआ तो क्या हुआ, भांगर और कैनिंग में ये मामला अभी भी गर्म है, अभी भी क्लैशेस चल रही है और इस नॉमिनेशन के आखिरी दिन नॉर्थ दिनाजपुर के चोपड़ा जिले में द लेफ्ट एंड कांग्रेस के प्रोसेशन में गोली चलती है, कुछ लोग गंभीर रूप से घायल होते हैं, एक आदमी के सिर पर गोली लगती है जो कि स्पॉट डेड हो जाती है। और ये सब होने के बाद चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी भांगर की इस हालत के लिए ऑपोजिशन पार्टी को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने ये भी कहा है कि भांगर में हमारे लोगों ने करारा जवाब दिया है और नॉमिनेशन को लेकर जो आरोप है वो गलत है, जिसके बाद गवर्नर सीपी आनंद बोस ने वायलेंस सीट एरियाज पर विजिट किया है और उनका कहना है कि वायलेंस को टॉलरेट नहीं किया जाएगा। और अभी वेस्ट बंगाल में सेंट्रल फोर्सेस को भेजने के लिए रूट मार्च चल रही है। इसमें आप लोगों का क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।